ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि किसी भी मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इज इट पॉसिबल टू आइसोलेट द टू पोल्स? आइसोलेट का मतलब अलग करना। क्या मैं दो पोल्स को अलग कर सकता हूं? यानी अगर मैं इस बार मैग्नेट को कट करता हूं बीच में से, तो क्या मेरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाएगा? आंसर है नो। अगर मैं मैग्नेट को कट करूंगा, मानो ये मेरा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, अगर मैं उसे बीच से कट करूंगा तो क्या होगा? ये जो पार्ट है जहां पर नॉर्थ पोल था, उसका दूसरा एंड जहां से कट किया, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, और जो दूसरा पीस है उसका एक एंड साउथ पोल था, तो जिस तरफ से मैंने कट किया वो वाला एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि मैं दो पोल्स को कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकता हूं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरा हॉर्स शू मैग्नेट है, ओके। अब इसको मैंने तोड़ दिया, या पहले से टूट गया था इसलिए बहुत आसानी से मैंने इसको तोड़ दिया। अब मुझे पता है कि इसके अंदर ये एक पोल है और ये वाला एंड दूसरा है, ये पोल साउथ है। तो मैंने कहा कि ये जो दूसरा एंड मैंने कट किया है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। अब इसे चेक करें हम। देखिए, मैं दूसरा मैग्नेट लेता हूँ, बार मैग्नेट। मुझे पता है इसका ये नॉर्थ पोल है, तो अगर ये भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं अगर उसको उसके पास लेकर जाऊंगा तो रिपेल होना चाहिए। रिपेल होगा क्या? देखते हैं। ये रखा मैंने इसके पास, ये देखा आपने, रिपेल होकर टर्न होकर दूसरे साइड से अटैच हो गया। ये यहां रखा मैंने इसको, ये देखो, फिर से देखो, यहां पर असर नहीं आ रहा। अब मैं उसको धीरे धीरे उसकी तरफ मूव करता हूं, देखिए क्या होता है। ये मूव किया, ये देखो रिपेल हो रहा है, देखो, देखा आपने, रिपेल हुआ और रिपेल होकर टर्न होकर दूसरी साइड से अटैच कर गया। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंड जहां से मैंने कट किया था, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं मैग्नेट को कट करूंगा तो भी दोनों पोल्स एग्जिस्ट।